तो एक माँ अपने बच्चे को अपने जान से ज्यादा प्यार करती है, इसीलिए वह माँ बिना कुछ सोचे समझे उस बच्चे को अपने गर्भ में ही 9 महीने तक पालती है, जिसमें उसे अनेक प्रकार की कठिनाइयां और अनेक प्रकार के कष्ट झेलकर वह 9 महीने बाद एक शिशु को जन्म देती है। जब उसके पेट में गर्भ पल रहा होता है तो माँ को यहाँ तक नहीं पता होता कि उसकी आने वाली संतान बेटा है या बेटी है। दोस्तों, पर हम इंसान ऐसे होते जा रहे हैं जो माँ और बेटे या माँ और बेटी के इस पवित्र रिश्ते को कई बार स्वार्थवश उपयोग करते हैं। तो जो आज की सच्ची कहानी है, उसने ना ही एक माँ और संतान के रिश्ते को तार तार किया कि कुछ ऐसा कर दिया जिसे सुनकर लोग अचंभित रह गए। जब यह घटना लोगों को सोशल मीडिया और मीडिया के माध्यम से पता चली तो जिसने भी जहां से भी इस घटना को सुना उसने पर मजबूर हो गया। आइए बिना देरी किए आज की सच्ची कहानी को शुरू करते हैं। सच्ची कहानी को शुरू करेंगे, पर कहानी में आगे बढ़ने से पहले आपसे मेरा छोटा सा विनम्र अनुरोध कि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन की बटन को प्रेस कर लेना, ताकि जब भी मैं ऐसी सच्ची कहानियां अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन सीधे आपके मोबाइल पर पहुंच जाए। दोस्तों, जो आज की सच्ची कहानी मैं आपको सुनाने चल रहा हूँ, ये कहानी है भारत का सबसे बड़ा राज्य है उत्तर प्रदेश, और इसी उत्तर प्रदेश का एक जिला आता है मथुरा, और इसी मथुरा जिला में एक गांव पड़ता है जिस गांव का नाम है नगला छीता। नगला छीता गांव में ही एक परिवार रहा करता था, जिस परिवार के मुखिया का नाम गिरिराज प्रसाद था। प्रसाद की उम्र करीब 50 साल रही होगी और उनकी पत्नी पुष्पा देवी बी की उम्र करीब 48 साल रही होगी, और घर में सब कुछ अच्छा चल रहा था। गिरिराज प्रसाद और पुष्पा देवी की कुल 3 संतानें हुई, जिसमें उन्होंने 3 बेटियों को जन्म दिया। पहली बेटी का नाम मिथिलेश, दूसरी बेटी का नाम सुनीता और तीसरी बेटी का नाम शशि था। गिरिराज काफी परेशान थे क्योंकि उनके पास कोई बेटा नहीं था, उनके पास बेटे के रूप में यही 3 बेटियां थी। अब धीरे धीरे समय कटता जाता है और तीनों बेटियां धीरे धीरे देखते देखते वयस्क होने लगी थी। अब गिरिराज प्रसाद के माथे पर शिकन आना शुरू हो गई थी, लिहाजा गिरिराज प्रसाद ने अपने बेटी मिथिलेश की शादी देखनी शुरू कर दी और समाज में कई लोगों से भी बताया कि अगर कोई अच्छा लड़का मिले तो हमें बताओ, हम अपनी बड़ी बेटी मिथिलेश की शादी कर देते हैं। और कुछ दिन बाद गिरिराज प्रसाद की यह खोज पूर्ण हो जाती है और एक लड़का देखकर गिरिराज प्रसाद अपनी बड़ी बेटी मिथिलेश की शादी कर देते हैं। इसकी शादी करने के बाद कुछ दिन बाद ही वो अपनी दूसरी नंबर की बेटी यानी सुनीता की भी शादी कर देते हैं, और उसके बाद गिरिराज प्रसाद एक बीमारी के चपेट में आ जाते हैं और वो अपनी तीसरी बेटी शशि की शादी करने के पहले ही स्वर्गवासी हो जाते हैं। लेकिन जब वो शशि की शादी के पहले ही स्वर्गवासी हो जाते हैं तो उनकी पत्नी घर में बचती है और एक बेटी बचती है। बेटियां मिथिलेश और सुनीता मिलकर शशि की शादी करती हैं। अब इनकी माँ घर में अकेली रह जाती है। अब माँ की उम्र भी करीब 85-86 साल हो चुकी थी। 85-86 साल की उम्र में माँ पुष्पा देवी के अंदर भी एक बीमारी ने घर कर लिया था कि घर पर कोई रहने वाला नहीं था, लिहाजा उनकी जो सबसे बड़ी बेटी थी मिथिलेश, उन्होंने अपनी माँ को अपने घर जमुना पार ही बुला लिया और माँ से कहा कि माँ बीमार भी रहती हो, अकेले आप बहुत परेशान हो जाओगी, और ये दोनों बेटियाँ जिनकी आपने शादी कर दी है ये लोग आपकी खोज खबर नहीं लेते। अब पुष्पा देवी जिनकी करीब 85 साल उम्र थी, वो अपनी बड़ी बेटी मिथिलेश के यहाँ मथुरा के जमुना पार में ही रहने लगती हैं। इसी बीच 15 जनवरी 2024 को पुष्पा का बीमारी के चलते निधन हो जाता है। अब मिथिलेश इसकी जानकारी अपनी दोनों बहनों को देती हैं और अपनी बहनों को वो बताती हैं, बहन माँ का स्वर्गवास हो गया है और मैं इनका दाह संस्कार करने के लिए इन्हें लेकर मथुरा में ही एक मसानी घाट है वहां जा रही हूँ, आप लोग वहां पर चली आना। इधर पुष्पा देवी की बड़ी बेटी मिथिलेश अपने घर वालों को और अपने गांव वालों को और मोहल्ले वालों को लेकर अपने माँ के अंतिम संस्कार के लिए अर्थी लेकर चल देती हैं। वो मसानी घाट अर्थी लेकर अपनी माँ की पहुंचती हैं तो वहां पर देखती हैं कि उनकी दोनों बहनें सुनीता और शशि भी आ गई हैं। सुनीता और शशि जैसे ही देखती हैं कि उनकी माँ की मृत शरीर को लकड़ी पर रखा गया है मुखाग्नि देने के लिए,
वैसे वो दौड़कर आग को बुझा देती हैं और वहां पर जितने भी लोग मौजूद थे सब हक्का बक्का हो जाते हैं कि आखिर ये क्या हो रहा है। संस्कार करने ही नहीं देती हैं, आपस में एक दूसरे से तीनों बहनें लड़ने लगती हैं और दोनों बहनें यानी कि सुनीता और शशि मिथिलेश पर आरोप लगाती हैं कि जब तक जमीन का बंटवारा नहीं होगा तब तक माँ को मुखाग्नि नहीं दी जाएगी। तक वहां पर लोगों के बीच बचौवल मान मनौवल होती रही। वहां के संभ्रांत व्यक्ति और जो कुछ मौजूद वहां पे बुद्धिजीवी थे उन्होंने पहले समझाने की कोशिश की, लेकिन जब ये तीनों बहनें आपस में नहीं समझी और दो बहनें सुनीता और शशि जब लगातार डटी रही आपको मुखाग्नि तभी दी जाएगी, माँ के नाम जो जमीन है उस जमीन का तीन हिस्सों में बंटवारा हो जाएगा। अब काफी देर तक ये बातें चलती रही। दौरान कई पंडित उनका दाह संस्कार कराने के लिए पुष्पा देवी जो 85 वर्षीय थी उनका कराने के लिए आए, पर कई पंडित बैरंग वापस लौट गए। अब वहां पर मौजूद किसी व्यक्ति ने पुलिस को कॉल कर दिया। अब पुलिस भी इस मामले में पड़ चुकी थी, भी क्या करती, लिहाजा पुलिस भी पूरे घटनाक्रम में मूक दर्शक बनी रही, दाह संस्कार नहीं करवा पाई। बात यहाँ तक बिगड़ गई कि तीनों बहनें आपस में एक दूसरे को मारने पीटने लगी। तीनों बहनें आपस में तेजी से लड़ने लगी, तब पुलिस अपने असली रूप में आई। इन दोनों बहनों सुनीता और शशि ने माँ का दाह संस्कार नहीं करने दिया, पेपर मंगवाया गया और कुछ संभ्रांत व्यक्तियों की मौजूदगी में बाकायदा एक पत्र गया कि माँ का दाह संस्कार होने के बाद जो माँ के नाम से प्रॉपर्टी है तीनों बहनों के बराबर हिस्से में बांट दी जाएगी। तब दोनों बहनों ने सुनीता और शशि ने कि खुद की माँ थी उन माँ का दाह संस्कार करने दिया। ना सोशल मीडिया और मीडिया के माध्यम से लोगों तक पहुंची तो लोगों ने सिर्फ एक ही चीज कहा कि ये सब तो बाद में भी हो सकता था, सब एक शाश्वत सत्य है जो आपके साथ भी होना है और मेरे साथ भी होना है, लेकिन इन्होंने कुछ ऐसा कर दिया जिससे पूरा समाज सोचने पर मजबूर हो गया। कैसा कलयुग आ गया है और कैसी कलयुग में औलादे हो रही है, सोच नहीं सकते ऐसी भी घटनाएं अब हमारे सामने निकल कर आ रही है। फिलहाल इस कहानी को सुनाने का मकसद किसी को हैरान करना और परेशान करना नहीं था। फिलहाल आप इस पूरी कहानी के बारे में और इन बेटियों के बारे में दो शब्द कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। मिलता हूँ किसी और नई कहानी के साथ आपको परसों रात्रि 8 बजे। चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।